आदमी के मन में पलता रहता है और मैं आज फैसला कर दूंगा। ये आ गया बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छा प्रेस जिसको प्रूव करने के बाद सबको भी संतुष्टि मिलती है और आपको लिखने में से स्वाट टीम और सम्राट टीम की मेहनत की वजह से दो व्यक्तियों की जान बच गई है। इसमें घटना इस प्रकार की, सत्रिक निवासी रमेश कुमार ने कोतवाली में 29 तारीख को मुकदमा लिखाया था। उनका लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा था, पीछे से तीन लड़कों ने बोतल से उसके ऊपर चोट कर दिया था। इसमें कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी कि इसी बीच में पुलिस को उसी वादी ने रिपोर्ट किया कि लड़के संपूर्ण रैनसम कॉल किया जा रहा है। रैनसम कॉल और खतरनाक बात जाती है, 10 लाख रुपये मांगे जा रहे थे। इस पर स्वाट और सम्राट टीम सक्रिय हुई थी और जब उन्होंने कॉल डिटेल निकलवाए और उसकी जांच पड़ताल किया तो उसमें ये तीन लड़के पकड़े गए जो आज गिरफ्तार हुए आपके सामने आए थे, जिसमें ये बात सामने आई कि रामकरण की सिस्टर के साथ जो जिसको बोतल से सर पर मारा गया था वादी के लड़के को, जिसका नाम सचिन था, वो कभी कभी कमेंट अश्लील कमेंट किया करता था और बोतल से मारने के बाद वो शांत नहीं हुए, वो उनसे रैनसम कॉल करने लगे और यहाँ तक कि रंजिश बढ़ गई थी कि वो उसकी हत्या करने के प्लान करने लगे थे। इसी बीच इनको जब पुलिस ने दबिश दिया और इन्होंने बड़ेल के पास इन्होंने गिरफ्तार किया तो उसे मालूम हुआ, गिरफ्तारी के बाद जानकारी मिली कि ये लोग रैनसम कॉल से जो भी पैसा मिलता उसके बाद से इनको दोनों को मर्डर करने के प्लान कर लिए थे।